इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की और कुछ स्टॉक्स जो मेरे पास कल के लिए या परसों के लिए रडार पे है। तो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे बैंक निफ्टी में ऊपर की तरह शिफ्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी अपने इस बैरियर को ब्रेक करे जो कि है 41,800। अगर इस बैरियर को बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो आने वाले दिनों में 4,200 के 42,000 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। तो पहला स्टॉक रहेगा एलएनटी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आएगी 2180 के ऊपर और टारगेट रहेंगे कुछ हमारे 2195 के और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 2115 का। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा आइशर मोटर का। आइशर मोटर में बहुत जबरदस्त एक्युमुलेशंस हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त बिल्डअप्स हो रहे हैं और स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है और इसमें भी हमको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा पहले मिलेगी। हम एंट्री ले सकते हैं कुछ 3,300 पे फॉर अ टारगेट ऑफ 3,350। 3,350 के बाद ये 3,400, 3,440, 3,460 के भी टारगेट आपको दे सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व एक बहुत पैरल चैनल में मूव कर रहा है काफी समय से और ये जो एक बैरियर है 1361 का, अगर ये क्रॉस होता है तो स्टॉक में मुझे 1380, 1400, 1420 के टारगेट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद एक बहुत शानदार स्टॉक है विच इज एमएनएम फाइनेंस। एमएनएम फाइनेंस ने आज एक ब्रेकआउट दिया था फिर से कल के बाद, उसके बाद कल एक ब्रेकआउट दिया था और आज भी स्टॉक उसी रेंज के अंदर बंद हुआ है। अगर स्टॉक कल 269 के ऊपर जाता है तो मुझे इसमें 272, 276 एंड 280 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो मैं 2-3 दिन से लगातार जिसको देख रही हूँ वो स्टॉक है LTIM, LTI माइंडट्री। अगर ये स्टॉक 4640 के ऊपर जाता है तो मुझे इसमें 4680, 4700, 4720, 4760 तक के टारगेट्स आते हुए दिखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा PINDY। PINDY में आप देखेंगे प्राइस एकदम ये बॉटम आउट है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर हमको थोड़ी अर्ली एंट्री लेनी है तो हम इस स्टॉक में अर्ली एंट्री ले सकते हैं, कुछ करीब ले सकते हैं 3060 के आसपास फॉर अ टारगेट ऑफ 3080 एंड 3080 के बाद इसमें 3100, 3120, 3140 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो है कोलपैल। आप देख सकते हैं कई दिनों से स्टॉक हॉरिजॉन्टल है, स्टॉक ने ऑलमोस्ट डबल बॉटम लगाया है और 1476 के ऊपर स्टॉक में हैव अ गुड ब्रेकआउट। अगेन मैं जल्दी से आपके सामने रिपीट करती हूँ, LNT 2180 के ऊपर अच्छा लग रहा है और इवन 2171 के ऊपर अच्छा लग रहा है फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 10-15 पॉइंट्स एंड अगेन 10-15 पॉइंट्स। आइशर मोटर अच्छा लग रहा है फॉर अ बाय अबव 3300 एंड इसी तरह हमको अच्छा लग रहा है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व अबव 1361। एमएनएम फिन अच्छा लग रहा है 269 के ऊपर। एलटीआईएम अच्छा लग रहा है 4640 के ऊपर। पीआईएनडी अच्छा लग रहा है फॉर अ बाय अबव 3061 और कोलपैल अच्छा लग रहा है फॉर अ बाय अबव 1475। ये मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टॉक्स है। आप इनको रडार पे रख सकते हैं जिसमें आफ्टर 9:30 के बाद जिसमें ब्रेकआउट आता है उस स्टॉक को आप ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द लाइव ट्रेडिंग।